हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार? ताजा सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर एक ताजा सर्वे हुआ है, जिसमें चौंकाने वाले रिजल्ट्स सामने आए हैं। मैट्रिक्स सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए गए एक सर्वे में ये बताया गया है कि अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो हरियाणा में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं है। हरियाणा की 90 सदस्य विधानसभा के चुनाव में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 37 से 42 सीटें, कांग्रेस को 33 से 38 सीटें, जेजेपी को 3 से 8 सीटें और अन्य दलों को 7 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद है। किसी भी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत हासिल करने का अनुमान नहीं है, लेकिन भाजपा को थोड़ी बढ़त है। ओपिनियन पोल के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री 40% लोगों ने बहुत अच्छा, 21% से औसत 24% ने अच्छा नहीं बताया, 15% लोग अस्पष्ट थे। मतों के मामले में हरियाणा में भाजपा प्लस को 35.2%, कांग्रेस को 31.6%, जेजेपी को 12.4% और अन्य को 20.8% मत मिलने का अनुमान है। सर्वे में जाट बनाम गैर जाट मुद्दे का चुनावी असर होने के सवाल पर 38% लोगों ने कहा, 43% लोगों ने कहा नहीं और 19% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते। आश्चर्यजनक रूप से सर्वेक्षण में शामिल 56% लोग राहुल गांधी द्वारा अग्निपथ योजना को समाप्त करने के आह्वान पर समर्थन नहीं करते हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक 29% ने इस योजना को समाप्त करने की बात कही तो 56% इसके समर्थन में दिखाई दिए। 15% ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते इस सवाल पर कि क्या चुनाव से पहले सीएम चेहरे की घोषणा से हरियाणा में कांग्रेस और सहयोगियों को फायदा होगा। परिणाम थे नकारात्मक प्रभाव, 35% लोगों ने कहा नहीं, 30% ने कहा हाँ, 24% ने कहा कोई प्रभाव नहीं और 11% ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते।